हेलो बच्चों वेलकम टू योर सिक्स एनसीआर टी हिस्ट्री वीडियो क्लास वी हैव स्टार्टेड सिक्स चैप्टर न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज एंड टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द बुद्धिज बुद्धा हमने बुद्धा के बारे में पढ़ा था दैट इज ओरिजिनल नेम वॉज सिद्धार्थ एंड ही वॉज बोर्न अबाउट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ईयर्स एगो ही बिलोंग्स टू दाख्यागण क्षत्रिय थे वो और किस तरीके से उन्होंने जो एनलाइटमेंट uh, uh, है ज्ञान की प्राप्ति उन्हें किस तरीके से हुई कहाँ हुई कुछ में जो है इनकी डेथ हुई फिर हमने उपनिषद के बारे में पढ़ा कि उपनिषद क्या होते हैं जिसमें जो डायलॉग्स के थ्रू जो है प्रिचे दी गई हैं जो भी हमारे संत महात्मा थे उनके बारे में सारी बताए बातें हमें बताई गई हैं देन वी हैव रीड अबाउट दी पानिनी शंकराचार्य के बारे में हमने पढ़ा पानिनी के बारे में हमने पढ़ा कि जो संस्कृत की ग्रामर है वो उन्होंने लिखी थी ओके आज हम बात करेंगे जैनिज्म की जो जैन जैन धर्म आप जानते हैं ना जैन रिलीजन जैनिज्म तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं ओके सो लेट स्टार्ट द रीडिंग द लास्ट एंड दी तीर्थंकर ऑफ दैन आस तीर्थंकर कौन होते हैं जैसे हम संत महात्माओं की बात करते हैं इसी तरीके से जो जैन धर्म है जैन जो रिलीजन है जैनिज्म में जो इनके संत महात्मा होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है ओके okay? तो ट्वेंटी फोर्थ तीर्थंकर कौन थे वर्धमान महावीर ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम दैट इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ईयर्स अगो यानी कि जो हम बुद्ध की बात कर रहे हैं उसी समय ही ये सब चीजें जो है जर्निज्म भी चल रहा था यानी कि शुरुआत हो गई थी ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिछवीज लिछवी के क्षत्रिय राजकुमार थे ये अग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ द वज्जी संघ वज्जी संघ यानी कि इस वज्जी संघ के जो राजा थे लिछवी राजा हुआ करते थे उसमें क्षत्रिय राजकुमार थे ये अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर फिफ्थ एट द एज ऑफ थर्टी ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट तीस साल की उम्र में उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया फॉर ट्वेल्व ईयर्स ही लेथ अ हार्ड एंड लोनली लाइफ एट द एंड ऑफ विच ही अटेन्ड एनलाइटमेंट और इतना कठोर हार्ड लाइफ एक लोंदी लाइफ जीने के बाद उनको जो है एनलाइटमेंट हुआ एनलाइटमेंट यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई जैसे हमने बुद्धा के बारे में पढ़ा उनको लाइफ का जो ट्रू मीनिंग है वो पता चला ट्रूथ ऑफ लाइफ पता चला तो इसी तरीके से जो महावीरा थे उनको भी ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई ओके? और उनकी डॉक्ट्राइन क्या थी यानी कि उनके प्रसा क्या थे? क्या पढ़ाते थे क्या शिक्षा वो देते थे लोगों को तो टॉट डॉक्ट्राइन मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स वो ये कहते थे जो भी महिला या पुरुष मैन और वुमेन कोई भी अगर वास्तव में जीवन को जानना चाहते हैं तो उन्हें अपना घर बार छोड़ना होगा अगर वो अपने घर बार को छोड़कर एक बिल्कुल संत की लाइफ अगर वो जी सकते हैं तभी उन्हें जो है जीवन का वास्तविक मतलब जो है वो पता चलेगा दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स यानी कि जो जैन धर्म है वो मेनली किसको फॉलो करते हैं अहिंसा नॉन वायलेंस को इवन आपने देखा होगा आते जाते कभी आपने देखा आपने देखा ना जो बिल्कुल वाइट कपड़े पहने होते हैं उन्होंने मुंह पर वाइट पट्टी बांधी होती है बेयर फुटेड होते हैं यानी कि पैरों में कुछ नहीं पहना होता है इन्होंने ऐसा क्यों इनका ये मानना होता है कि इस पृथ्वी पर जो भी छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म है जीव है उसको भी हमें नहीं मारना है जैसे हम पैरों से हम चलते हैं तो हमारे जो फुटवियर होंगे उनका सोल हार्ड होगा इससे जो ज़मीन पर रेंगने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट हैं कीड़े मकोड़े हैं उनकी डेथ होगी तो हमने क्या किया ये हिंसा कर दी किसी को मारना मतलब हिंसा करना ही होता है ना वॉयलेंस ही है इसी तरीके से जब हम सांस लेते हैं तो हवा के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी सांस के साथ अंदर जाते हैं तो वो मुँह पर भी कपड़ा बांध के रखते हैं यानी कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत टफ है और वो कहते हैं कि इस टफ़ स्टाइल से इस स्ट्रिक्ट रूल्स के फॉलो करके ही जो है हम वास्तव जीवन के अर्थ को महसूस कर सकते हैं ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड इज फॉलोवर्स बिकॉज दे यूज़ प्राकृत उन्होंने भी क्या भाषा यूज़ की प्राकृत जो आम लोगों की भाषा थी इसीलिए साधारण लोग भी उनकी भाषा को समझ सकते थे दे वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन इन विच दे वर यूज फॉर एग्जाम्पल द प्राकृत स्पोकन इन मगधा वाज़ नोन एज मगधी यानी कि अलग अलग एरिया में अलग अलग इनके नाम हुआ करते थे जैसे मगध में इसको मगधी कहा जाता था ओके फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनज इनके जो फॉलोवर्स होते थे यानी कि जो इनको मानते थे महावीर को उनको जैनस कहा जाता था हैड टू लिट वेरी सिंपल बहुत सिंपल लाइफ इनको जीनी होती थी बैगिंग फॉर फूड और ये खाना जो है भिक्षा कहते हैं ना भीख मांग कर भीख इन देंस बैगिंग वो नहीं भिक्षा मांग ही वो अपना खाना लेते थे दे हैड टू बी एब्सोल्यूटली ऑनेस्ट एंड स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील बहुत ईमानदार होना होता है इनको और बिल्कुल भी चोरी चपाटी बुरे विचार बुरी सोच ये सब इनमें नहीं होती ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिब्रेसी एंड मैन हैड टू गिव अप एवरी थिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स यानी कि हर चीज का मोह माया जो है इनको छोड़ना होता है हर तरीका लालच जो है वो इनको छोड़ना होता है ठीक है इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दिज स्ट्रिक्ट रूल्स और ये वास्तव में जो हमने देखा कि कहीं ना जैसे अभी हमने पढ़ा कि अपने कपड़े तक उनको छोड़ने होते हैं तो बहुत मुश्किल है ये है ना तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स जो हम फॉलो करना बहुत मुश्किल है ने वु लेस थाउजेंड्स लेव देअर होम्स टू लर्न एंड टीच दिज न्यू वे ऑफ लाइफ लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जिनकी जो इनको मानते थे जिनकी इनमें विश्वास था ट्रस्ट करते थे फॉलो करते थे इनको उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया मैनी मोर रिमेंड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम मॉन्ग्स एंड नंस प्रोवाइडिंग दैम विथ फूड और बहुत सारे जो लोग पीछे रह गए जो अपना घर बार नहीं छोड़ सकते थे उन्होंने इनकी सेवा में जो मॉन्ग्स थे और जो नंस यानी कि जो जैन संत और संतनी जो हम कहते हैं वो बन गए थे मोंग्स नंस जो बन गए थे उनकी सेवा में उनके लिए सारी सुविधाएँ अरेंज करने में खाने वाने की व्यवस्था करने में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स जो व्यापारी थे मेनली उनके द्वारा ही जो इसको सपोर्ट किया गया फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स क्योंकि इन्होंने जैनिज्म किसको मेनली बिलोंग करता है नॉन वायलेंस को फॉलो करता है ना अप्रेच करता है लेकिन जो किसान है उनको कहीं ना कहीं जो कीड़े मकोड़े हैं उनको मारना पड़ता था फसल को बचाने के लिए तो उनके लिए जो है जैनिज को फॉलो करना बहुत मुश्किल था Over hundred of years, Jainism spread to different parts of the North India and to Gujarat, Tamil Nadu, and Karnataka. The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat. तो बहुत सालों तक तो जो भी इनके प्रेचेज होते थे जो भी इनका तत्संग होता था वो सब ओरली चलता था लेकिन धीरे धीरे इनको समझ में आने लगा कि जो आने वाली जनरेशन उनको कैसे पता चलेगा तो जो राइटिंग है उसको प्रिस्क्राइब किया गया राइटिंग में अंदर रिटर्न के अंदर जो है इनका सारा मटेरियल अवेलेबल करवाया गया जो आज अगर हम देखें तो कहां है गुजरात के अंदर जो वल्लभी एरिया है वहां पर हमें मिलती है ठीक है और ये पंद्रह सालों पहले का जो मटेरियल है हमें मिलता है संगा, बोथ दहावीरा एंड द बुद्धा फेल्ट ओनली लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज बुद्ध और जैन दोनों का ये मानना था कि इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न द लाइफ इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ वी मस्ट लीव आर होम हमें अपने घर छोड़ने होंगे क्यों क्योंकि घर के अंदर क्या होगा हम तरह तरह की ज़रूरतों तो के अंदर सिमट बन जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हमारी अलग अलग फिर घर में रहते तो हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं है ना तो अगर हमें वास्तव में जीवन को जानना है तो हमें अपना घर बार छोड़ना होगा सो दे अरेंज फॉर दैम टू स्टे टुगेदर इन द संघा तो इस तरीके से अब लोग कोई अकेला तो नहीं रह सकता एकदम से अपना घर बार छोड़ करके तो उन्होंने क्या बनाया संघ बनाया संघ मतलब जहाँ पर इस तरह के लोग इकट्ठे होते हैं ठीक है यानी कि जो भी लोग हैं चाहे वो बुद्ध के फॉलोअर्स हैं चाहे वो महावीरा के फॉलोअर्स हैं तो वो लोग जो हैं संघ के अंदर रहते हैं ठीक है एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ हाव वि डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पीटक जो विनय पीठक है वो किससे बिलोंग करती है बुद्धिस्ट संघ से जो भी इनके रूल रेगुलेशन है वो विनय पीटक के अंदर लिखे गए हैं फ्रॉम दिस वी नो दैट देर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग रूल्स थे ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ हाउ एवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड स्लेव दैट ऑफ देयर मास्टर्स जो मैन हैं वो बिना किसी की परमिशन के आराम से जो है वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे लेकिन बच्चों अगर कोई छो बच्चा अगर कोई जानना चाहता है तो उसको अपने पेरेंट्स का अप्रूवल लेना होता था और कोई स्लेव अगर बुद्धिज़म को फॉलो करना चाहता है उनके संघ में आना चाहता है तो उसको अपने मास्टर की परमिशन लेनी होती थी

During fixed hours, that इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्षूज इनको भिक्षु कहा जाता था इनका फिक्स टाइम होता था कि इसी समय में जो है आपको भिक्शा लेकर आनी है और जो बाकी का समय है आपको क्या करना है मेडिटेशन करना है आपको सारी चीज़ें जो इनकी फिक्स होती थी दे टॉट अदर्स एंड helped वन एन अदर और यही यानी कि जो पुराने संघ के लोग होते थे वो आने वाले नए लोगों को सिखाते थे दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन एन अदर दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वेरल्स डेट टू प्लेस विद इन दी संघ अब संघ में जब इतने सारे लोग होते हैं तो उनके विचारों में कोई ना कोई मतभेद होते हैं डिस्प्यूट्स होते हैं तो उन सब डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने का काम भी कौन करते थे भिक्षु और भिक्षुनीस करते थे दो सौ ज्वाइन द संघा इंक्लूडेड ब्राह्मि क्षत्रियर्स मर्चेंट्स लिबरर्स पाबर्स कॉटिसन स्लेवस कोई भी जो है उनको ज्वाइन कर सकता था मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा Some of them also composed beautiful poems describing their life in the sangha. संघा अब संघ में जब लोग रहते थे तो वहाँ जो कुछ भी ऑब्जर्व करते थे सीखते थे उनको अलग अलग फॉर्म्स में वो लिखते भी थे कोई स्टोरी की फॉर्म में कोई जो है पोयम लिखता था कोई स्लोगन्स लिखता था तो अलग अलग तरीके से जब वो लिखते थे चलिए अब अगली टर्म आ रही है हमारे पास में मोनेस्ट्री संघ हमने पढ़ा फिर हमने पढ़ा मोनेस्ट्री टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्ग्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल हमने पढ़ा कि जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी होते थे जैनी संत होते थे ये सब लोग क्या करते थे मूव करते रहते थे है ना जगह जगह जाकर लोगों को ज्ञान देते थे लेकिन जब कभी फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती थी जैसे बहुत ज़्यादा बारिश है या बहुत ज़्यादा ठंड है उस समय में क्या करते थे ये लोग मूव नहीं कर सकते थे तब इन्हें किसी न किसी जगह पर रुकना होता था तब जो भी इनके फॉलोवर्स होते थे इन्होंने इनके लिए रहने की एक जगह बनाई ठीक है जिसे हमने कहा टेम्पररी शेल्टर्स यानी कि जब भी मौसम ठीक नहीं है उस समय वो वहां पर रुक सके तो इन टेम्पररी शेल्टर्स को ही क्या कहा गया मोनिस्ट्रीज कहा गया ठीक है देर सपोर्टर्स विल टेम्पररी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स और दे लिव इन नेचुरल केव्स इन हिल एरिया एक नेचुरल केव बताई गई है ना केव के अंदर भी जो है उनके रहने का इंतजाम किया गया था एस टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ दॉन्ग्स एंड एंड दे दैम सेल्व फर द नीड फॉर मोर पर्मानेंट शेल्टर्स एंड सो मोनिस्ट्रीज वर बिल्ड दीज वर नोन एज विहाराज तो पहले इन्होंने टेम्परेरी बनाया लेकिन धीरे धीरे इनको महसूस हुआ अभी परमानेंट भी होने चाहिए जरूरी नहीं कि सब परमानेंट चलते ही चले जा रहे हैं अभी कुछ जा रहे हैं कुछ वहाँ पर रह रहे हैं है ना तो जो परमानेंट सेटलमेंट बनाए गए उनको मोनिस्ट्रीज कहा गया और इन्हीं को क्या कह दिया गया आगे विहार ठीक है क्या कहा गया इनको विहाराज या मोनिस्ट्रीज क्लियर ये विहार मॉनेस्ट्री जो इनके शेल्टर्स थे जो भी मॉन्क्स थे वो इनकी मदद के लिए स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया तो अलग अलग तरीके से जो भी उस वक्त रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे उनके यूज करके जो विहार हैं या मोनिस्ट्रीज हैं वो बनाई जाती थी वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारा वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाई अ रिच मर्चेंट और अ लैंड ऑनर और द किंग ये जो ज़मीन है वो डोनेट कर दी जाती थी द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट ऑफ़ फूड क्लोदिंग मेडिसिन फॉर द मोंग्स एंड नन्स इन रिटर्न दे टॉट द पीपल ओवर द सेंचुरी बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड तो जो आसपास के लोग होते थे इन मनिस्ट्रीज़ के तो यहाँ पर सेवा के लिए आते थे इनके लिए जो दवाइयाँ हैं कपड़े हैं खाना है वो सब लेकर आते थे और ये जो मोंक होते थे या जो नन्स होती थी ये बदले में इनको टीचिंग देते थे इनको सिखाते थे लाइफ के बारे में बताते थे यानी कि सत्संग करते थे अब बुद्धिस्ट टेक्सटाइल जस्ट एज दॉटर्स ऑफ रिवर लोज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस वेन दे फ्लो इन टू द माइटी ओशीन सो आर वर्ना एंड रैंक्स एंड फैमिली फॉर गॉटन वेन द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा जॉइन ऑर्डर्स ऑफ मॉन्क्स यहाँ पर बताया गया कि किस कि तरीके से जैसे हम गंगा की बात करते हैं नर्मदा की बात करते हैं अलग अलग नदियों की हम बात करते हैं अल्टीमेटली ये नदियाँ कहाँ मिल जाती हैं किसी न किसी सागर में महासागर में जैसे बे ऑफ़ बंगाल में और नर्मदा जैसे हम बात करें अरेबियन सी में सब जगह मिल जाती हैं ना तो अलग अलग जो नदियां हैं जहां भी किसी भी सागर जिस भी सागर या महासागर में वो जा रही हैं उसका नाम वहीं पर ख़त्म हो जाता है है ना उससे आगे उसकी नाम से कोई पहचान नहीं होती इसी तरीके से हम किसी भी कास्ट से हो रिलीजन से हो वर्ण से हो रैंक से हो किसी भी फ़ैमिली से हो अगर हम इन मोनिस्ट्रीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं तो हम उस मोंग से या उस बुद्धा जो भी मनिस्ट्री है उसी के नाम से हम जाने जाते हैं ना कि हमारे रैंक से हमारी फैमिली से हमारे कास्ट से हम उससे किसी से नहीं जाने जाते ठीक है मतलब इक्वल बात वही आ गई है कि वो सब फिर क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं वो सब चीज़ें जो है अपनी वहाँ पर छोड़ आ जाते हैं अब द सिस्टम ऑफ आश्रम जो आश्रम की हम बात हैं इनका क्या सिस्टम था अराउंड द टाइम वन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिकमिंग पॉपुलर ब्राह्मि डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रम इधर तो जैन और बुद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था और यहीं पर जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी एक सिस्टम जो है फॉलो किया डेवलप किया आश्रम का सिस्टम ठीक है उन्होंने क्या किया जो भी लाइफ है पूरी जो लाइफ है उसको चार स्टेजेस में डिवाइड कर दिया कौन कौन सी थी ब्रह्मचार्य गृहस्थ वान एंड संस आश्रम जो ब्राह्मीण क्षत्रिय एंड वैश्य मैन वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिम्पल लाइज एंड स्टडी द वेदास डरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देअर लाइफ जिसे क्या कहा गया ब्रह्मचार्य यानी कि जो शुरुआती जीवन होता है उस समय जो है वेदों की पढ़ाई करें पढ़ाई लिखाई करें ज्ञान लें और इधर उधर की चीज़ों से अपना ध्यान हटाएं देन दे हैड टू मैरी एंड लीजर्स हाउस होल्डर्स फिर उसके बाद ब्रह्मचार्य के बाद उनकी शादी कर दी जाए और तब जो उनकी लाइफ शुरू होगी वो क्या कहलाएगी गृहस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम जीने के बाद में यानी कि अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या करते हैं जंगलों में चले जाते हैं ध्यान लगाते हैं साधना करते हैं उस स्टेज को क्या कहा जाता है वानप्रस्थ आश्रम और फाइनली जब ये सब कुछ छोड़ देते हैं परिवार मोह माया सब कुछ छोड़ देते हैं तब इनको क्या कहा जाता है संन्यास आश्रम ठीक है यानी कि सन्यासी द सिस्टम ऑफ आश्रम आज फॉलोड अलाउड मैन टू स्पेंड देयर लाइफ इन मेडिटेशन जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास एंड दे हैव टू फॉलो द आश्रमा चूजन बाय देयर हस्बेंड्स ठीक है तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं मैन और वुमेन का जो डिस्क्रिमिशन है वो हमें देखने को मिल रहा है कि वुमेन को अलाउड नहीं था ध्यान लगाना या वेद पढ़ना वो उनके हस्बैंड की इच्छा के अनुसार जो भी आश्रम वगैरह होते थे उनको वहाँ पर अपनी सेवा देती थी इसी तरीके से देखो ईरान की ये हम बात कर रहे थे इंडिया की और यहीं पर हम इसी तरीके से ईरान की बात करें तो देखो यहाँ पर जोरास्टर जो एक ईरानियन प्रोफिट थे संत हम कह सकते हैं यहाँ पर थे उन्होंने भी क्या किया मतलब दुनिया की अगर हम बात करें सब जगह हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा था ऐसा नहीं था कि एक जगह एक ही चीज़ डेवलप हो रही है इतनी बड़ी दुनिया है तो उसी समय में कहीं पर कुछ चल रहा है कहीं पर कुछ चल रहा है है ना तो ऐसे ही जो ईरान का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे जोरास्ट्र जो थे वो ईरानियन प्रोफेट थे हिज टीचिंग्स आर कंटेंट इन अ बुक कॉल्ड अवस्था जो भी उनकी प्रीचिंग है जो भी उनकी आ, उपदेश है उन सबको अवेस्था नाम की बुक के अंदर दिया गया है

लॉर्ड ग्रैंड स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ़ द ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाई मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रंक्वालिटी यानी कि ईश्वर जिसने हमें शक्ति दी है हमें सच का जो साम्राज्य है वो स्थापित करने की शक्ति दी है अच्छा सोचने की पावर हमें दी है इसका मतलब क्या है कि हम इस पूरी दुनिया में शांति समानता भाईचारा ये सब चीज़ें जो हैं फैलाएं फॉर मोर देन अ थाउजेंड ई ईयर्स रास्ट्रीयनिज़म वॉज अ मेजर रिलीजन इन ईरान लेटर सम जोरास्ट्रियंस माइग्रेटेड फ्राम ईरान एंड सेटल डाउन इन दी कोस्टल टाउंस ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र दे वर दी इन्सेस्टर्स ऑफ टूडेज पारसीज आज हम देखते ना, Parsi. तो Parsi वंचेज़ हैं ना पारसी तो पारसीज किसके वंशज हैं वंशज हैं जोरास्ट्रियन के यानी कि पुराने समय में जो जोरास्ट्रियन होते थे जो ईरान से बाहर भी इधर उधर कहीं जाकर बस गए तो ऐसे ही कुछ जो ईरानी लोग थे वो गुजरात में भी आकर बसे कुछ महाराष्ट्र में भी आकर बसे तो आज उनको क्या कहा जाता है पारसी कहा जाता है ठीक है तो ये हुआ हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट आज हमने जैनिज्म के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जो जैन मोंग थे नन थे किस तरीके से वो अपनी प्रीचिंग्स देते थे तो आई होप एवरी थिंग इज़ क्लियर टू यू इफ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन कीप मी पोस्टेड इन दी कमेंट सेक्शन कोई भी डाउट हो आप पूछें आप बताएं एंड आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर सो स्टे कनेक्टेड कीप वॉचिंग थैंक यू